विद्यालय श्रीपुर में 3 साल पहले चोर हैंडपंप उखाड़ ले गए थे। चोरी की घटना के 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उस विद्यालय में हैंडपंप नहीं लग सका। इस विद्यालय में हैंडपंप न होने के कारण वहां पढ़ने वाली खुशबू सहित 181 बच्चों को पीने के पानी के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी के लिए क्या समस्या बा? नल नहीं है। और दूर से लाते हैं पानी। वहाँ कोई दिक्कत होती है? क्या डरते हैं? हैंडपंप की समस्या है, हैंडपंप नहीं है। चोरी हो गया था तब से अभी तक लगा नहीं। कब चोरी हुआ था? ये हुआ था अगस्त 2010। कुछ कार्रवाई हुई इसके ऊपर? FIR हुआ था, उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक। पानी के लिए कुछ समस्या होती है विद्यालय में? हाँ, बच्चे दूर तक जाते हैं, दूसरे के हैंडपंप पे ले आते हैं, वो भी मना करते हैं तो और दूसरी जगह जाते हैं। टीचर्स के लिए पानी की प्रॉब्लम होती है, रसोई के लिए प्रॉब्लम होती है। घर से बाथरूम जाते हैं और धूप में जाते हैं पानी भरने, और कहते हैं कि यहाँ पर दूसरे चपाकल पे जाओ भरो। क्या चाहते हैं आप? यहाँ पर नल लग जाए। समस्या यही बा है कि पानी की परेशानी बहुत बा। हाँ, अब यहाँ धूप में दूर से पानी आवत है, माँ जाए के धोई लड़के पियासा हो गए तो मांगे लगे। हाँ, तो उपतरी दुनिया से ले आओ भैया। उसके बाद नले की बड़ी परेशानी बह है, कहीं कहीं जाएँ सब आए देख कर गए, ताक कर गए, और 3-4 साल से नल बगदा बा है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हैंडपम्प लग जाए, बच्चों की पानी की समस्या दूर हो जाए, बच्चे दूर तक ना जाएं। बच्चे दूर जाते हैं 10-15 मिनट बाद लौट के आते हैं, कभी कभी आधा घंटा भी लगा देते हैं, तो पढ़ाई में दिक्कत होती है, उनको हम रोक भी नहीं सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस विद्यालय में हैंडपम्प लगे और बच्चों को पानी पीने की व्यवस्था हो, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो। इसके लिए आप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिनका मोबाइल नंबर है 9453004199, पर दबाव डालकर आप हमारी मदद कर सकते हैं। मैं अनिल कुमार सरोज, संत रविदास नगर भदोही से, इंडिया अनर्ट के लिए।